चार महीने में लगभग 5 लाख रुपए का प्रॉफिट एक एकड़ में हमने ले लिया था स्टार्टिंग में सर। लक्ष्य यही था कि नौकरी तो 15 साल कर चुके थे तो एक अपना खुद का बिजनेस, कम से कम हम आज 40 से 42 आदमी को रोज़गार दे रहे हैं। ये मोस्टली क्या एक्सपोर्ट होता है, जैसे USA और चाइना जो है बहुत बड़ी मार्केट है जी, जो एक्सपोर्ट के लिए अगर 30 पीस आता है तो 30 काउंट, तो 30 काउंट का जो रेट है लगभग वो 400 के करीब का होता है। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जहां आम किसान साल के 50,000 रुपये भी नहीं कमा पाता, वहीं आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलाऊंगा जो साल के लगभग रुपये कमा रहे हैं, वो भी झींगा पालन से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं झींगा पालन यहाँ पे पीछे हो रहा है। दोस्तों, कैसे आप झींगा पालन कर सकते हैं, कहाँ आप सेल कर सकते हैं, किस तरह से झींगा पालन से अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, तो मेरे साथ हैं अनिल जी, जो इस विषय में आपको पूरी जानकारी आज मुहैया कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो सर? बढ़िया सर, बढ़िया। बड़ा अच्छा लग रहा है सर, एक युवा आप हैं, युवा जॉब की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन आपने अपने गांव में आके यहाँ पे झींगा पालन किया हुआ है। हाँ जी, वो भी स्टोरी जानेंगे क्यों आपने झींगा पालन का चुनाव किया। सबसे पहले जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। राम राम जी सभी दर्शकों को, मेरा नाम अनिल पुनिया है, हरियाणा चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट गाँव ढोकी से बिलोंग करता हूँ। लगभग 2014 से मैं सीरम फार्मिंग कर रहा हूँ सर। 2014 में हमने एक एकड़ में फार्मिंग स्टार्ट की थी, तो ये बोल सकते हैं विद इन 4 मंथ लैक ऑफ नॉलेज, उस टाइम पे हमें झींगा फार्मिंग की नॉलेज जो है बिल्कुल ज़ीरो थी। तो लगभग हमने सर 4 महीने में लगभग 5 लाख रुपए का प्रॉफिट एक एकड़ में हमने ले लिया था स्टार्टिंग में सर। तो हमने देखा कि ये तो कंपैरिजन गेहूं की खेती या सरसों की खेती जो हमारे नियर बाई जो हमारे इस एरिया में होती है, इससे तो काफ़ी बेटर है। तो हमने सर नेक्स्ट ईयर हमने क्या है कि लगभग 7 एकड़ में हमने सीरम फार्मिंग स्टार्ट कर दी, जिससे हमने नेक्स्ट ईयर लगभग 80 से 82 लाख रुपये का हमने कल्चर पूरा किया। यानी पहले साल में आपने कितने कमाए सर, एक एकड़ से हमने जो प्रॉफिट था लगभग 5 लाख रुपये का। 5 लाख रुपये पहले साल में एक एकड़ से? जी जी। और फिर आपने किया 7 एकड़ में? 7 एकड़ में। हाँ जी। और कितना प्रॉफिट आया सर उससे? उसमें लगभग वही 35 से 40 लाख रुपए का। अनिल जी, एक चीज़ मेरे को बड़ा ताजुब होता है, लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं जी, और आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वापस अपने गांव में आके ये शुरुआत करी। हाँ जी। तो क्या घर वालों का सपोर्ट था आपको? बिल्कुल सर, वैसे मैंने आपको बताया कि मैं ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लगभग हम 25 मेंबर एक ही परिवार में रह रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी ऐसे डिफेंस से या बेल्ट की जॉब से ही रिलेटेड हैं। जी जी। सभी का सपोर्ट भी था मेरे, ये भी एक बोल सकते हैं कि पीछे से कोई डर भी नहीं था कि मैं अगर नौकरी नहीं करूँगा तो अपना संसाधन चला सकूँ। लेकिन माइंड में ये भी था कि अगर ये काम सक्सेस नहीं रहा तो जॉब भी नहीं रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जॉब को माइंड से निकाल के आज हम एक सक्सेसफुल फार्मर, एक एंटरप्रेन्योर के लाइन में खड़े हैं। यानी जो लक्ष्य था वो आपका तय था? बिल्कुल सर, लक्ष्य यही था कि नौकरी तो 15 साल कर चुके थे तो एक अपना खुद का बिजनेस, कम से कम हम आज 40 से 42 आदमी को रोज़गार दे रहे हैं, तो एक टारगेट ये था कि नौकरी को छोड़ के हम अपना खुद का काम शुरू करें। अभी सर झींगा पालन जो आप कर रहे हैं उसके साथ साथ में आप क्या क्या और यहाँ पे कर रहे हैं? सर जैसे ही मैंने आपको बताया सीरम फार्मिंग किया, तो हमने कंक्लूजन निकाला कि इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ का है। तो हमने देखा कि फीड का सबसे ज़्यादा खर्चा आ रहा था, तो हमने फिर डिसीजन लिया कि हम क्यों ना अपना खुद का फीड बनाएं। तो हमने गवर्नमेंट के पास में जो फिशरीज के ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हरियाणा, हमने उनके पास अप्रोच किया। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे करके सिब्बा एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ICAR के अंडर में आता है, सिब्बा स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रिक्स वाटर एक्वाकल्चर। उनके पास अप्रोच किया तो हमने टेक्नोलॉजी के लिए, उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। हमने जैसे ही फीड बनाना शुरू किया 2017 में,
तो जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेटर थे। जो हम पहले फीड जो खरीद रहे थे वो साउथ से खरीद रहे थे, तो उसमें क्या था कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था, फिर हमें सीड था जो फीड जो है कॉस्टली मिल रहा था। तो रिजल्ट अच्छे आने की वजह से हमने क्या किया, फिर नियर बाई जो फार्मर थे उनको यूज करवाया, रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आए, अच्छे आए हैं, जिसके बाद हमने फीड मिल इस्टेब्लिश कर लिया। अच्छा सर, अगर बात करें मछली पालन और झींगा पालन में, लोगों को झींगा पालन के बारे में इतना पता नहीं है जी, लेकिन मछली पालन के बारे में सभी जानते हैं जी, तो आपकी नज़र में बेटर कौन सा है और क्यों बेटर है सर? सर वैसे तो दोनों देखा जाए तो खेती तो वही पानी की है, तो जैसे कि हम मान के चलें कि झींगा पालन जो है, झींगा पालन का जो खर्चा है वो मछली पालन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अगर खर्चा ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो दूसरा, इसमें हम एक वाटर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिस भी फार्मर का जो पानी के पैरामीटर है अगर वो खारा है, स्लाइन वाटर टाइप है, तो वो झींगा पालन की तरफ जाना चाहिए, और जिसके फ्रेश वाटर के हैं तो वो अपना फिश फार्मिंग के लिए जा सकते हैं। अच्छा, मोटा मोटा जान लेते हैं सर, आपका एक एकड़ का पॉन्ड है ये, इसमें कितना खर्चा आता है टोटल की अगर बात करें, और कितने दिन में कितना प्रॉफिट हमें हो जाता है? सर सीड स्टॉकिंग से लेके लास्ट कल्चर हार्वेस्ट तक अगर हम प्रति एकड़ खर्चे की बात करें तो लगभग 10 लाख रुपये तक का खर्चा हो जाता है, और प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 5 लाख रुपये तक का प्रॉफिट 4 से 5 महीने में फार्मर को मिल जाता है। यानी साल में अगर मोटा मोटा करें तो 10 लाख रुपये प्रॉफिट हो गया साल में, अगर हम दो कल्चर अच्छे से लेते हैं, तरीके से लेते हैं, तो लगभग 10 लाख रुपया प्रति एकड़ हम ले सकते हैं। और अगर दूसरी साल की बात करें, हमने तो एक बार इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपये जी, तो क्या दूसरी साल भी 10 लाख रुपये लगेंगे? हाँ, दूसरी साल अगर देखा जाए तो खर्चा कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पीछे एरिएटर चल रहे हैं जी, ये बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं नाइट के टाइम पे, एरिएशन देते हैं फोन में, तो ये हमने एक बार परचेज कर लिया तो हर साल खरीदने नहीं है। पी लाइन में जहाँ पे पॉलीथीन बिछा दिया तो वहाँ पे पॉलीथीन लगाने की ज़रूरत नहीं है हर साल। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लिया तो हमें हर साल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरेटर खरीद लिया तो हर साल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। रूम, लेबर रूम बना दिया तो हर साल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए हर साल का जो खर्चा है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। अनिल जी, कभी सोचा था मैं, या अगर जॉब में होते तो यहाँ तक पहुँच पाते आप कभी? सर देखो, ये प्रैक्टिकल है, जॉब करने वाला आदमी का करोड़ में टर्नओवर नहीं होता है। हाँ, जॉब करने वाले का लगभग 10 लाख 12 लाख रुपए तक का टर्नओवर मैक्सिमम होता है। तो जॉब से अगर रिलेटेड और हम एंटरप्रेन्योर के लाइन में देखें तो टर्नओवर की बात यहाँ तो कई चांस ही नहीं था वहाँ पे पहुँचने का। अच्छा, फीड में सर क्या आप इनको दे रहे हैं? हाँ सर, फीड में क्या है, इसका स्पेशली न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फीड बनता है, जिसमें प्रोटीन की कुछ मात्रा होती है मिनिमम, ये उतना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो नॉन वेज और वेज प्रोटीन डलता है, तो उसी हिसाब से जो हम जो टेक्नोलॉजी है शिबा की, वो फॉर्मूला जो देता है, हम उसी हिसाब से फीड बनाते हैं। सर ये ज़्यादातर समुद्री इलाके या जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा होता है, आप हरियाणा में कर रहे हैं, हरियाणा में डेयरी का चलन ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना चैलेंज आ रहा है आपको उसको करने में, और क्या बेनिफिट आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है? सर जैसे हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, जैसे सेल करने के लिए बता, अभी जैसे हमारे पास खुद के पास में व्हीकल हैं, आइसोलेटेड व्हीकल हैं, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल है, कोल्ड स्टोरेज है, तो कोई भी इमरजेंसी आए तो हम प्रिपेयर्ड हैं, हम मेंटेन्ड हैं, हम कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने स्टार्ट किया था, जैसे मैं आपको बता रहा था 14 में 15 में, तब उस टाइम पे ना तो ज़्यादा बायर से कॉन्टेक्ट थे साउथ साइड में, ना ही मंडी का इतना कंजम्पशन था, तो अभी अगर हम पहले के बजाय अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ पर बायर और एक्सपोर्टर हैं, जो प्रोसेसिंग प्लांट है सबके लाइजन हैं, और वहाँ से परचेज करने के भी के लिए भी आते हैं। इवन जो नॉर्थ इंडिया का जो अपना हरियाणा पंजाब राजस्थान का जो झींगा है, जो कंपेयर टू साउथ, उससे बेटर क्वालिटी रहती है, साइज भी बड़ा रहता है, डिमांड भी अच्छी है। अब सर आम आदमी जानना चाहेगा, मछली तो कहीं बिक जाती है जी, तो झींगा कहाँ बिकता है अगर कोई शुरुआत करता है तो? सर जो जैसे झींगा जो है क्या न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट है, ये मोस्टली क्या एक्सपोर्ट होता है, जैसे USA और चाइना जो है बहुत बड़ी मार्केट है जी, जो एक्सपोर्ट के लिए, तो मोस्टली यहाँ से प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है, प्रोसेसिंग प्लांट एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट मोस्टली साउथ में है, मुंबई, गुजरात, आंध्रा में। तो अगर डोमेस्टिक मार्केट की हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है
गाजीपुर मंडी दिल्ली, तो वहाँ पे डेली लगभग 10 टन तक का जो झींगा है वो सेल आउट हो जाता है। इसमें एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा है? एक्सपोर्ट ही सर, अगर हम जो कल्चर रिलेटेड जो झींगा की बात करें तो वो मोस्टली एक्सपोर्ट ही होता है जी। जो कहीं पर भी है जैसे मलेशिया, चाइना, चाइना, यूएसए, जो हम मोस्टली एक्सपोर्ट के हब। अच्छा सर, ये पीस के हिसाब से बिकता है या केजी के हिसाब से बिकता है और किस रेट से बिकता है? सर इसको वैसे फार्मर को काउंट के हिसाब से सेल होता है। काउंट इन द सेंस एक केजी में अगर 30 पीस आता है तो 30 काउंट, तो 30 काउंट का जो रेट है लगभग वो 400 के करीब का होता है। तो उसको हम केजी बोल सकते हो या काउंट के हिसाब से बोल सकते हो। तो केजी का रेट उसका है, जो 30 काउंट का झींगा है तो केजी का रेट उसका 400 होगा। अप एंड डाउन्स भी सर होते हैं प्राइस में? लास्ट 2 ईयर्स को अगर उठा के चले तो जो सिरम जो रेट था, झींगा का जो रेट था वो डाउन था कंपेरेटिवली लास्ट 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स बैक। और इस साल में हम अगर देखें तो वापस रेट जो है, मार्केट जो है अप एंड डाउन थोड़ा बहुत चलता रहता है। बिल्कुल जी। अच्छा सर, हर बिजनेस में नुकसान और फायदे होते हैं जी, तो क्या इसमें भी कोई नुकसान है ऐसा? जैसे मछली में होता है, मछलियाँ मर जाती हैं, किसान सुबह उठा तालाब में उसको मछलियाँ मरी हुई दिखाई दी जी जी, तो क्या इसमें कुछ ऐसा होता है? इसमें है सर, एक तो फार्मर की इंडिविजुअल की नेग्लिजेंस ही है अगर उसकी वजह से, दूसरा अगर पैरामीटर थोड़े ज़्यादा ही बेकार हों, तीसरा अगर फार्मर क्या है एक्टिव नहीं है और वो तरीके से फार्मिंग नहीं करता है तो उसमें चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम विद इन 40 डेज में अगर हम जैसे हमने स्टॉकिंग कर दिया, 40 डेज का कल्चर हो गया हमारा, अगर हम 40 डेज में अगर हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं कि कितना फीड खा रहा है, कितनी ग्रोथ है, उसको वीकली सैम्पलिंग नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं, तो इन केस में नुकसान के चांसेस हैं, अदरवाइज झींगा में नुकसान के चांसेस। ऐसा क्यों कि बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं कुछ इस तरह से? सर इसमें नॉर्थ इंडिया में बीमारियों के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोरवेल जो है, बोर वाटर यूज होता है, तो इसमें जो जैसे साउथ में जो आपने बताया ना, गुजरात में, महाराष्ट्र में कोस्टल एरिया में जो वहाँ पे जो क्रीक वाटर होता है, सभी के जो पोंड होते हैं वो एक ही चैनल से जुड़े होते हैं, वो जिसमें एक में डिजीज आएगी तो सब में आने के चांसेस होते हैं, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिजीज के चांसेस थोड़े कम है। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि एक एकड़ में आपको 10 लाख रुपये के आसपास खर्चा आता है बनाने में जी जी, अभी कोई गरीब फार्मर है जी, कम पैसा है, कम पूंजी है, लेकिन शुरू करना चाहता है जी, तो वो कैसे शुरू कर सकता है? सर एक तो देखो, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है, एक PMSSY की अंडर में एक स्कीम है जिसमें फार्मर को प्रति हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ में गवर्नमेंट जो है लगभग 10 लाख रुपये तक सब्सिडी फार्मर को दे रही है। दूसरा अगर फार्मर को कल्चर करना है, तरीके से करना है, तो अभी हमारे पास नॉर्थ में जैसे हमारा एक ये जो पॉइंट है, हम फार्मर को सीड का, फीड का, मेडिसिन का, टेक्नोलॉजी का, हार्वेस्टिंग का, कोल्ड स्टोरेज का, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल का, आइसोलेटेड व्हीकल का सभी फैसिलिटी आज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतने नुकसान के और इतने चांसेस जो हैं फार्मर को बैकअप बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। यानी सपोर्ट के लिए आप जी, सपोर्ट के लिए हम आप ये बोल सकते हो कि नॉर्थ में, हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान में हम सभी फार्मर से जुड़े हुए हैं और सभी फार्मर को पॉइंट पे हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट कर जी। अभी कितनी लेबर सर आपके पास है यहाँ पर? सर मेरे पास टोटल लगभग यहाँ पे 40 आदमी काम कर रहे हैं जी। अच्छा सर, जो बच्चा है वो कहाँ से आता है और किस हिसाब से बिकता है वो, मतलब आप खरीदते हैं उसको? सर जो इसका सीरम का जो सीड है ना, जो बच्चा हम जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली सारा साउथ से आता है। ये साउथ में तुनी कोस्ट एरिया है, विशाखापट्टनम है आंध्रा में, दूसरा उड़ीसा में है, पौंडीचेरी है, वहाँ से सीड आता है, बाई एयर आता है, दिल्ली हमें एयरपोर्ट में मिल जाता है, वहाँ से हम रिसीव कर लेते हैं। और एक एकड़ में कितना बीज डाला जाता है, बच्चे कितने डाले जाते हैं? एक एकड़ में हम फार्मर को एडवाइज करते हैं लगभग 1.5 लाख सीड फार्मर को एक एकड़ में स्टॉक करना चाहिए। जो सीड की कॉस्ट है लगभग 55 पैसे के करीब फार्मर को पड़ जाती है जी। सर सरकार से कोई मदद मिलती है सर इसमें, कोई हेल्प अगर कोई जुड़ना चाहता है इस काम में तो क्या मिल सकती है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि सिरम फार्मिंग झींगा में 2.5 एकड़ में प्रति 2.5 एकड़ की एक यूनिट बोलते हैं, जिसमें 2.5 एकड़ में लगभग 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है जी जी।
और ट्रेनिंग वगैरह सर कोई कहाँ से लेना सर? ट्रेनिंग हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे चरखी दादरी में फिशरीज ऑफिस है, हरियाणा जो डिपार्टमेंट है फिशरीज वहाँ पे, इसार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग मिलती है। इवन जैसे बड़े बड़े जैसे फार्मिंग स्टेशन हैं जहाँ पे, जैसे हमारा, हम जैसे 10 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, डिपार्टमेंट है फिशरीज डिपार्टमेंट, यहाँ पे वीकली, कई बार वीकली कर देता है, मंथली भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ पे शेड्यूल कर देता है। तो हम जो नियर बाई फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। सर 2014 से आपने स्टार्टअप किया जी, आज 2024 में हम लोग खड़े हुए हैं जी, कभी नुकसान हुआ आपको सर? अगर हुआ तो क्यों नुकसान हुआ, और कभी लगा कि यार काम छोड़ दो? क्योंकि सर अक्सर यही होता है, लोग शुरू तो करते हैं लेकिन जहाँ उनको लगता है कि वो नुकसान हो गया वो काम छोड़ देते हैं, तो कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा आपके साथ में? सर बिल्कुल, एक बार हमारा ये एक्सपीरियंस रहा, हम इवन ये बोल सकते हैं कि सेकंड ईयर में जो फर्स्ट कल्चर जो था हमारा, वो हमने फर्स्ट ईयर हमने जैसे 1 एकड़ में कल्चर किया, बहुत अच्छा कल्चर किया, तो हमने नेक्स्ट ईयर क्या किया, 7 एकड़ में फार्मिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे एक भाई है जो सबसे बड़ा है, वही प्रेजेंट था जी। हमने 7 एकड़ में फार्मिंग स्टार्ट कर दी, तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि लेबर को कैसे मैनेज करना है, एंड इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नाइट की अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पे एक जो मैनेजमेंट, हम ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट, लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से हमें एक बार लॉस हो गया था, बट हमने फिर वो देखा, फिर उसका ऑब्जर्व किया कि भाई किस वजह से लॉस हुआ है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट कल्चर में थोड़ा सा तरीके से हमने नाइट की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराई, फिर लेबर भी तरीके से। हिम्मत आपने नहीं हारी, बिल्कुल सर, कंक्लूजन निकाला भाई कहाँ मेरे को नुकसान हुआ। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे किसान भाई को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करेगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और सर के लिए एक लाइक तो बनता है क्योंकि नेवी की जॉब छोड़ के अपने गांव में आकर उन्होंने एक्वा फार्म जो है अपना ये झींगा मछली पालन शुरू करा। तो ऐसे युवाओं को सलाम है, क्योंकि ऐसे युवा जो है देश की तरक्की के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और देश को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नए सफर में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नए सफर में, नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद।